हेलो फ्रेंड्स, देखें ये रेन लिली का फ्लावर है और आज हम बात करेंगे इसी की केयर के बारे में, इसे ग्रो कैसे करते हैं, इसकी केयर कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत लगने वाला एक ये छोटा सा पौधा होता है जो एक से कई प्लांट हमारे रेडी हो जाते हैं। जब मैंने इसे लगाया था तो ये ओनली एक छोटा सा बल्ब था और इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किया था, तो और अब तो कई सारे इसके बल्ब रेडी हो गए हैं। ये एक 7 इंच के पॉट में आप देख रहे होंगे, ब्लैक कलर का पॉट है छोटा सा, उसी में लगा हुआ है और इतनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है ये। तो इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि इसमें फ्लावरिंग नहीं हो। पिछले साल तो अप्रैल महीने से ही इसने फ्लावरिंग स्टार्ट कर दिया, हालांकि इसका सीजन जो होता है रेन लिली इसे कहते हैं क्योंकि ये बरसात में ही ज़्यादा ब्लूमिंग करता है, लेकिन फिर भी इस साल बरसात भी आ गई थी और तो भी इसमें एक भी कलियाँ नहीं निकल रही थी, तो मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि क्यों नहीं निकल रही है। तो फिर मैंने क्या किया वो मैं आपको आपके साथ में शेयर करूंगी। देखिए कितने बड़े बड़े इसके फ्लावर्स निकले, कितने मतलब इनका साइज कितना अच्छा इंक्रीज हुआ है और काफी कलियां भी इसमें बन रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें 2 कली तो ये लगी हुई है और 1 कली ये है, ये दोनों कल खिल जाएंगी। ये 2 आप देख रहे हैं ना, ये कल खिल जाएंगी। तो काफी सारे इसमें बल्ब हो गए, देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 बल्ब हो गए हैं इसमें से। तो मैं आपको ये बताने जा रही थी कि अगर आपके प्लांट में भी ब्लूमिंग नहीं हो रही है, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया और अगर अभी भी ब्लूमिंग आपने के प्लांट ने स्टार्ट नहीं की है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करें कि अगर बहुत ज़्यादा बुशी आपका प्लांट है, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ निकली हुई हैं, तो उनकी सारी पत्तियों को आप इस तरीके से पकड़ लें ऐसे करके और सारी पत्तियों को ट्रिम कर दें, कट कर दें यहाँ से, ठीक है। देख लें आपके कलियाँ वगैरह तो नहीं है, अगर नहीं है तो सबको इस तरीके से पकड़ के और बस ऐसे ट्रिम कर दें, कट कर दें बिल्कुल से, बस 2 से 3 इंच की आप छोड़ दें, ठीक है। और पहला काम आपको ये करना है और दूसरा काम आपको ये करना है कि इसमें जो है लिक्विड फर्टिलाइजर आपको देना है। इसमें देखिए एक बार हम जब मिट्टी बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छे से भुरभुरी मिट्टी इसकी हम रेडी करते हैं, तो उसी में हम इसमें गोबर की खाद या फिर कंपोस्ट वगैरह जो भी होती है हम तभी इसमें मिक्स कर देते हैं, फिर हम बार बार इसमें खाद नहीं मिलाते हैं, फिर हम इसे लिक्विड फर्टिलाइजर देते हैं। लिक्विड फर्टिलाइजर इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें बार बार हम खाद मिला भी नहीं सकते, क्योंकि ये बल्ब होता है और ये देखें इस तरीके से, तो इसके ऊपर अगर हम कभी खाद डाल देते हैं और अगर ज्यादा हो जाती है तो ये बल्ब हमारे सड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं, गलने लगेंगे, तो इसलिए इसमें ऊपर से खाद ज्यादा ना डालें। तो लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने इसमें दिया था, जो वो मैं आपको बताती हूँ कि किस चीज़ का था वो लिक्विड फर्टिलाइजर। ये जो हमारे हम घर में प्याज यूज़ करते हैं, ऑनियन जो यूज़ करते हैं, तो उसके ऊपर का जो गोल्डन वाला छिलका निकलता है ना, उसे आप किसी भी डिब्बे में या किसी भी बकेट वगैरह में डाल लें और उसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच जो है मस्टर्ड जो केक होता है, नीम सॉरी सरसों की खली होती है, उस खली को भी डाल दें और डिब्बे में बंद करके रख दें और 1 हफ्ते के बाद भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन रखा रहता है तो और भी अच्छे तरीके से वो रेडी हो जाता है। तो ये मेरा काफ़ी दिन से रखा हुआ था, मैं धीरे धीरे जब भी एक 20 लीटर की बाल्टी है मेरी जो मैंने बना के रखा है, तो जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं उसी से निकाल लेती हूँ। तो वही मैंने इसमें, एक भी कली नहीं थी और ना ही कोई मुझे इसमें आसार दिख रहे थे कि अभी ब्लूमिंग होगी, बस 1 हफ्ते पहले मैंने इसमें ये सारे काम किए थे जो मैं आपको बता रही हूँ। इसकी ट्रिमिंग की थी और लिक्विड फर्टिलाइजर दिया था और 1 हफ्ते का रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जादू जैसा असर हुआ है बिल्कुल। तो बस वही मैंने जो है इसमें 100 से 150 ml पानी जो लिया होगा उसका आधा जो है फर्टिलाइजर और आधा उसमें सादा पानी मिला के 150 ml के करीब रहा होगा जो मैंने इस गमले में डाल दिया था, यानी कि 1 गिलास से भी कम कह सकते हैं आप पानी, आधा गिलास जैसे कि लिक्विड फर्टिलाइजर मैंने लिया और आधा गिलास उसमें और पानी मिलाया और
एक गिलास सॉरी पानी मिलाया, तो आधा इसमें मैंने डाला और आधा दूसरा मेरा एक व्हाइट कलर का भी है रेन लिली उसमें मैंने डाल दिया। तो दोनों में मान लो पौन पौन गिलास करके मैंने डाल दिया था। तो एक गिलास आपको सादा पानी लेना है, उसमें आधा गिलास जो है लिक्विड फर्टिलाइजर मिलाना है। इस तरीके से मिला के आप अपने पौधे में डाल दें और उसका रिजल्ट देखें कितना फास्ट रिजल्ट हमको मिला है। ये ओनली एक हफ्ता हुआ सिर्फ, मुझे खुद को उम्मीद नहीं थी कि इतना फास्ट मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपके पौधे में भी फूल नहीं आ रहा है तो ज़रूर आप ये करके देखें। और मैं आपको अपना वाइट वाला पौधा भी दिखाऊंगी, उसमें भी कलियां बन रही हैं, फूल आने लगे आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरा वाइट वाला रेन लिली और देखें कितना अच्छा ये भी खिला हुआ है और एक कली बनी हुई है और छोटी छोटी अंदर से भी बन रही हैं। तो ये एक बार ब्लूमिंग कर चुका है फ्रेंड्स, मई के महीने में जब बरसात हो रही थी ना तब इसमें काफ़ी फूल आए थे और अभी दोबारा से ये ब्लूमिंग कर रहा है। पिंक वाला जो है वो मेरा रुका हुआ था, उसमें ब्लूमिंग नहीं हो रही थी, तो उसको ट्रिमिंग करके और फिर उसमें खाद वगैरह मैंने डाली तो बढ़िया से अब वो भी ब्लूमिंग कर रहा है। तो ये मेरा व्हाइट कलर है, मेरे पास फिलहाल अभी दो ही कलर हैं और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये भी व्हाइट कलर। तो मल्टी कलर मैं अभी और ढूंढ रही हूँ, इसमें येलो कलर भी आता है और भी कलर आते हैं, तो अगर मुझे मिलेगा तो मैं लाके ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करूँगी। तो बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास भी नहीं है इस तरीके के प्लांट तो आप नर्सरी से अगर मिल जाए तो ले लीजिए, वरना इसके बल्ब मिलते हैं जैसे प्याज होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके का इसका जो है बल्ब होता है, तो वो आप लाकर लगा सकते हैं। थोड़ा बड़ा साइज़ का लेंगे तो जल्दी फ्लावरिंग करेगा और अगर छोटे छोटे होते हैं तो एक साल ले लेता है अपने आप को वो हेल्दी बनाने में। जब तक कि हमारा बल्ब हेल्दी नहीं होगा तब तक ये ब्लूमिंग नहीं होगी। तो आप अगर बल्ब लेते हैं तो थोड़ा सा बड़ा साइज का देख कर लें, किसी भी चीज़ का बल्ब लें तो थोड़ा सा हेल्दी और बड़ा देख कर लें। तो ठीक है फ्रेंड्स, कैसा लगा मेरा ये लिली रेन लिली ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोई और अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।